रानीवाड़ा पुलिस कर्मियों द्वारा धारा 151 का बेजा सहारा लेकर पत्रकार भरत सोनी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस क्लब फलोदी जिला के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व एसपी फलोदी को सौंपा ज्ञापन। रानीवाड़ा पुलिस कर्मियों द्वारा गत 18 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़े भीनमाल निवासी भरत सोनी व दो अन्य लोगों के खिलाफ धारा 151 का बेजा सहारा लेते हुए शराब के नशे में चूर तीन पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी रात बेरहमी से मारपीट कर उसके साथ बेरहमी से बर्ताव किया गया। प्रेस क्लब फलोदी जिला के सदस्यों द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम फलोदी जिला कलेक्टर व एसपी फलोदी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मीडिया कर्मी के साथ इस तरह से रानीवाड़ा पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट से हम सभी मीडिया कर्मियों में भारी रोष है। ज्ञापन में जल्द से जल्द दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान प्रेस क्लब फलोदी के पत्रकार संतोष कुमार व्यास, धर्मेंद्र कुमार सोनी, विनोद प्रजापत, करण शर्मा, मनीष गोस्वामी, रामस्वरूप विश्नोई सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। एक्चुअल में 18 फरवरी को हमारे एक मीडिया साथी जो भीनमाल निवासी है भरत सोनी, वो रानीवाड़ा से भीनमाल अपनी बाइक पे जा रहे थे। वो तीन लोग थे लेकिन तीन जने जाना उचित नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी और मंगवाई, तो इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी आई और उनको कहा कि भाई आप थाने चलो। तो उन्होंने बोला मेरी गलती क्या है, तो आपको थाने चलना पड़ेगा। इसके सर मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे भीनमाल जाना है। लेकिन जैसे कैसे वो वहाँ से निकले, लेकिन पीछे गाड़ी पुलिस की उनके 1 किलोमीटर पीछा करके गई और उनको टक्कर मार दी और उसके बाद उनको थाने लाया गया। धारा 151 का बेजा उपयोग करते हुए शराब के नशे में धुत बताए जा रहे तीन पुलिस कर्मियों ने पूरी रात पत्रकार मित्र और उनके दोनों भाइयों को रानीवाड़ा थाने में रखा और उनकी बेल्ट से आन मिलो सदना जिसे कहते हैं उनसे ज़बरदस्त पिटाई की गई। और जब उन्होंने कहा कि यार हम एक सभ्य नागरिक हैं, मैं एक मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उनकी और पिटाई की गई। यह है वर्तमान सरकार, राजस्थान सरकार की पुलिस का रवैया। उनका पिछवाड़ा तक लाल कर दिया गया। उन्होंने सोचा क्या है, पिछवाड़ा लाल कर देंगे तो शर्म के मारे ये बताएंगे नहीं। लेकिन हमारे मीडिया मित्र जो पीड़ित हैं वो हिम्मत वाले निकले। दूसरे दिन उनको 3 बजे एसडीएम के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत हुई। भरत सोनी ने एसडीएम को भी कहा, अपनी आपबीती बताई, लेकिन प्रशासन की कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी। उसके बाद वो सांचौर एसपी के समक्ष पेश हुए, लेकिन सांचौर एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ जांच का हवाला दे दिया। जांच का आज तक भी कुछ परिणाम नहीं आया है। आखिर थक हार कर कल भरत सोनी ने कानून का सहारा लेते हुए इस्तगासा दायर किया है उन तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिन्होंने उनकी शराब के नशे में बताया जा रहे थे पिटाई की। और आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। आज भीनमाल में भी पत्रकार संघ ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है। और हमने भी आज हमारे फलोदी पत्रकार संघ जो कि प्रेस क्लब फलोदी है उनमें भी भारी रोष है। आज देखा जाए तो हम मानते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सीधी भाषा नहीं मानते हैं, उसके लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम भी कई बार देखते हैं आन मिलो सदना पड़ते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, लेकिन होता है हम भी सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं यार, चलो अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रेम की भाषा नहीं मानते। लेकिन जो एक सभ्य ज्वेलर्स हैं और एक मीडिया कर्मी है जिसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हुए उसका पिछवाड़ा लाल किया गया, हम सभी मीडिया कर्मी इस बात का विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जीएसएस मजदूर संघ जिला फलोदी के कार्मिकों ने सौंपा ज्ञापन। जीएसएस ठेका संचालकों की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्टर फलोदी को ज्ञापन। जीएसएस मजदूर संघ जिला फलोदी के तत्वावधान में जीएसएस कार्मिकों व मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जीएसएस ठेका संचालकों की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्टर फलोदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले के संचालित जीएसएस कार्मिकों ने बताया कि टेंडर नंबर 676 ऑपरेशन व मैनिटेशन 33/11 केवी जीएसएस के कार्यों में भारी हेरा फेरी की जा रही है, जिसमें प्रति जीएसएस 3 वर्कर के स्थान पर 2 तो कहीं 1 वर्कर लगाकर खाना पूर्ति कर ठेका कंपनियों द्वारा कार्मिकों का शोषण करते हुए वर्कर का मानदेय 8,490 की बजाय कहीं 5,000 तो कहीं 6,000 रुपये देकर मनमानी की जा रही है, जबकि प्रति वर्कर 283 रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है।
जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि जिले में संचालित जीएसएस वर्कर को न्यायोचित मानदेय नहीं मिलने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 6 तारीख को पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब ने हमको ये बोला है कि आप यहाँ पे हमको कॉपी दे दो, हम आगे आपकी कार्रवाई करेंगे। और कलेक्टर साहब ने तुरंत हमको बोल दिया कि आप जाओ अपने एसी साहब के पास में। और एसी साहब के पास गए तो एसी साहब ने बोला कि आप 10 दिन का टाइम दो, आपके 10 दिन के अंदर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और फिर 10 दिन बाद में हम आए, अब वापस आए कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि अब तो आपके एसी का ट्रांसफ़र कर दिया है और ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब अगली मीटिंग में और देखेंगे। सप्ताह का 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन के बाद में और आना वापस। अब ऐसे हम चक्कर काट करके थक गए हैं, 4-5 बार आ चुके हैं, 4-5 बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, इसकी कोई हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। और कलेक्टर साहब को हमने कितनी बार भी बोल चुके हैं। और ये दुर्गाराम जी है हमारे साथ में, दुर्गाराम जी से पूछ लो। सबसे पहले आपका न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं दुर्गाराम भील। सर, हमने कई बार है, अब 2018 से हम ये नियुक्त अधिकारी काम कर रहे हैं जो जीसीएस पे ऑपरेटर का, तो हमने कई बार हमारे आईएन और जैन साहब को भी हमने अगवात कराया, सर हमारे साथ में शोषण मत होने दो। तो जैन साहब ने बोला कि आपका आप जानो और अपना ठेकेदार जाने। फिर बाद में हमने कलेक्टर महोदय को भी दिया और एसी महोदय को भी दिया, उसमें हमारा मंथली हमारे पेमेंट है 9,325 रुपये और हमारे को हर जीएसएस में 5,000 रुपये दे रहे हैं। और हमारे जीएसएस के कर्मचारी जो कर्मचारी नियुक्त है 3 की, हमारे जीएसएस पे हर जीएसएस पे कब 2 ही कर्मचारी रखे हैं, कई जीएसएस पे 1 भी कर्मचारी काम चला रहे हैं, उसका हमारा बहुत शोषण है, हमारे साथ शोषण बहुत हो रहे हैं और हमारे घर गृहस्थी हमारे घर परिवार नहीं चल सकते। कितने लोग हमारे अपने अभियंता विद्युत विभाग में 6 या 7 डिस्कॉम है, बाप है, फलोदी है, देचू है, आऊ है, बापिणी है, लोहावट है। कितने कर्मचारी होंगे? कर्मचारी सर काफ़ी है, कम से कम 500 से 1200 हैं। अब आगे क्या विचार है? आगे सर हमारा ये विचार है कि हमारे जल्दी ये जन सुनवाई कर लेंगे, ठीक है नहीं हम आगे आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। फलोदी के रड़का बिरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मुख्य अतिथि गांव के सरपंच भवरलाल खीचड़ की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें मेघावी छात्रों का सम्मान व विदाई दी गई। वहीं ग्राम पंचायत रड़का बिरा के राजस्व गांव रामपुरा स्थित धौलिया नाड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक मांगीलाल का 32 वर्षों के सेवाकाल के बाद सेवानियुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रड़का बिरा सरपंच भवरलाल रहे। पड़ियाल के कुलदीप जी का माला और साफा द्वारा स्वागत करेंगे। रोहित दास जी, सर आप विराजो एक बार, वहां फिर आप अपने मेरे पास आ जाना। स्वागत करेंगे श्री पवन जी गनियाल प्रधानाचार्य महोदय जी। हमारे वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ते हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे श्री बुद्धराम जी बेनीवाल का हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज के कड़ी में सरस्वती पूजन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अपनी सेवा पूरी करने वाले इस विद्यालय के संस्था प्रधान मांगीलाल जी का साफा पर 4:01 पर संस्था प्रधान का चार्ज लेने वाले जगदीश जी एच एम साहब उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मांगीलाल जी साहब दो ले रहे हैं, बड़ा सबू साहब यह 3 ले आया, अभी 2-1 महीने भरे रखिए ना, पीटी जी काम आ जाएगी, नहीं तो अपन लड़ने पड़े बड़े साहब। चलो अपने देरी नहीं हो इसलिए आप जल्दी कर दो कार्यक्रम। ये हम देखो तालियां बजाते रहे आप इनके लिए। नव किशोर जी हम जो